Welcome to Future Doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Bangalore. जैसे कि लाइक वी हैव स्टार्टेड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट सो वी हैव स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट द रूट देन वी लुक ऑन द डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑल्सो फिर हमने स्टैम पर आए देन वी ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स एंड द डायग्राम ओके एंड देन वी मूव ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टैम इवन द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम इटसेल्फ क्लियर फिर हमने लाइक फिर हमने लीफ स्ट्रक्चर स्टार्ट किया लीफ के बारे में देखा कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है लीफ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं ओके सो लाइक उसमें पेटियोल होता है लीफ बेस होता है उसके अंदर एक पूरा एक लीफ लैमिना होता है उसके अंदर मिडरिब होती है उसके अंदर वेन होती है फिर उसके अंदर वेन का एक विनेशन होता है इन द लैमिना सो दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन द लीफ विनेशन ओके सो आज हम लीफ विनेशन के टाइप के बारे में जानेंगे कि लीफ का विनेशन किस किस टाइप का होता है ओके लीफ का विनेशन बेसिकली आपको मोनोकोट और डाइकोट प्लांट दोनों में डिफरेंट मिलेगा मतलब एंजियोस्पर्म्स में ही मोनोकोट और डाइकोट प्लांट में आपको लीफ का विनेशन डिफरेंट डिफरेंट मिलता है लीफ का विनेशन का मतलब है वेन्स का डिस्ट्रीब्यूट होना थ्रू आउट अ लीफ लेमिना फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर क्लियर सो द अरेंजमेंट ऑफ ए वेन देन वेन्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड द विनेशन When the veinlets form a network, the venation is termed as a reticulate. Okay, when the veins run parallel to each other, the within the lamina, the venation is termed as a parallel. It means there are the two types of venation. One is the parallel venation, second one is a reticulate venation. In a parallel venation, जो venation होता है वो बिल्कुल parallel होता है जो कि पाया जाता है monocots के अंदर. Reticulate में क्या होता है जाल जैसा होता है venation जो होता है dicots के अंदर पाया जाता है. लीफ ऑफ द डाइकोटिलेडोन प्लांट जनरली प्रोसेस रेटिकुलेट विनेशन और जो आपका मोनोकोट के प्लांट होता है उनके अंदर पैरेलल विनेशन पाया जाता है जस्ट कीप द डिफरेंस इन योर माइंड ओके सो इन शॉर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ विनेशन पैरेलल एंड द रेटिकुलेट विनेशन सो हियर इज द लाइक रेटिकुलेट विनेशन एंड हियर इज अ पैरेलल विनेशन देखिए पैरेलल मतलब इसके जो वेन्स है दे आर पैरेलल टू ईच अदर दे आर जस्ट देखिए एक वेन्स दूसरी वेन्स तीसरी वेन्स जस्ट दे आर पैरेलल टू ईच अदर वायर इन केस ऑफ द रेटिकुलेट रेटिकुलेशन में देखिए पैरेलल का रेटिकुलेशन जाल बना हुआ सो दैट्स व्हाई एंड द पैरेलल विनेशन इज फाउंड इन द मोनोकोट एंड रेटिकुलेट विनेशन इज फाउंड इन द डाइकोट प्लांट नाउ द पैरेलल विनेशन वेयर द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर ओके एंड इट इज फाउंड इन द मोनोकोट प्लांट ठीक है नेक्स्ट It is a divide into the two types on the basis of the midrib, and sometimes we can divide this parallel venation in two types. Okay, इसको बोलते एक होता है parallel pinnate or unicostate, और होता है आपका parallel palmate or multicostate. देखिए on the basis of number of midrib, on the basis of number of the midrib, यही same हम differentiate करते हैं palmate venation के अंदर. और palmate का मतलब क्या होता है like is kind of like the palm. ओके इट्स लाइक अ पाम सो इवन लाइक जैसे क्या होता है इन चीजों को समझना जब आसान होता है व्हेन यू ऑब्जर्व रियली ओके लीफ और जब रूट को आप रियली ऑब्जर्व करते हैं अच्छा इसमें इस तरह की ब्रांचेस है इसमें रियल में इस तरह का विनेशन है इस तरह की मॉडी रूट इसके अंदर है इसमें एडवेंटिसस रूट है इसमें से नोड में से निकल रही है इसमें से लाइक लीफ में से निकल रही है सो जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं ना जब आपके लिए आसान होता है ओके सो द पैरेलल पिनेट में मतलब होता है पैरेलल पिनेट और यूनिकॉस्टेड यूनिकॉस्टेड मतलब ओनली देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन मिडरिब मल्टीकॉस्टेड देयर आर द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मिडरिब जब एक से ज्यादा मिडरिब होती है इट्स कॉल्ड द मल्टीकॉस्टेड एंड द पैरेलल पामेट जैसे कि मान के चलो ये पाम ये मेरा लीफ बेस है तो इसके देखिए 1 2 3 4 इससे नंबर ऑफ मिडरिब्स निकल रही है तो ऐसे याद रखिएगा नंबर ऑफ मिडरिब्स किसमें निकलती है पामेट में और देयर इज ओनली वन मिडरिब सो इट इज कॉल्ड द पिन्नेट ओके इट्स कॉल्ड द पिन्नेट यूनिकॉस्टेड अब मल्टीकॉस्टेड क्यों क्योंकि अलग अलग कॉस्टेड बन गया एक ये बन गया दूसरा ये बन गया तीसरा ये बन गया जो फोर्थ ये बन गया तो देयर आर द नंबर ऑफ मल्टीकॉस्ट नंबर ऑफ लीफ यूनिकॉस्टेड में केवल एक ही लीफ एक ही मिडरिब होती दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द यूनिकॉस्टेड लेकिन पैरेलल लेकिन जो आपका विनेशन होगा वो दोनों में पैरेलल ही होगा ओके हम देखते हैं सबके बारे में सबसे पैरेलल पिन्नेट ओनली द वन मिडरिब इज प्रेजेंट इन द लीफ Midrib give out the lateral veins running parallel to each other, either toward or margin to the apex. Let me clear one thing. जैसे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जैसे बनाना का ट्री है आपके सामने तो इसमें देखिए आप यहाँ देखेंगे तो पैरेलल जो आपके जो विनेशन होंगे मतलब विनेशन होंगे पैरेलल होंगे ठीक है सो दैट विनेशन आइदर इट मे टूवर्ड्स द अपेक्स और टूवर्ड्स द मार्जिन सो लाइक एयर एक वी टू के टेक एग्जाम्पल सो दैट
top area is called the apex, and this lateral position, its lateral area is called the margin. So the venation, sometime the venation, agar aap yahan dekhenge to venation yahan kiski taraf ja raha hai, margin ki taraf hai. Jaise aap dekhenge yahan pe ye margin hai, okay, ये midrib है और ये parallel venation है, किसकी तरफ है, ये इसकी apex की तरफ है. So apex, sorry, apex है, ये top portion है और ये देखेंगे तो यहाँ पे banana का tree है जहाँ पे आपका margin कहाँ की तरफ है, like आपका जो venation है वो margin की तरफ है, मतलब periphery की तरफ है. Only one midrib, देखिए only यहाँ पे केवल एक ही midrib present है, ठीक है. अब आता है आप दूसरे example लेके चलते हैं जहाँ पे ये example आपका okay कैना, ये आपका कैना का एग्जांपल है जहाँ पे ये कैना का एग्जांपल है जिस कैना में जो विनेशंस है, विनेशन है वो केवल और केवल आपका अपेक्स की तरफ है. ये देखिए ये एक मिट्री बीच में है, इसके अलावा विनेशंस यहाँ पे बेस से स्टार्ट हुआ और विनेशन सारे की सारी कन्वर्जेंट होके अपेक्स की तरफ आ गई, मतलब नीचे से स्टार्ट हुई और डाइवर्ट होके लाइक कन्वर्जेंट होके अपेक्स टॉप पर आपकी मर्ज होगी. दैट्स व्हाई दिस एग्जांपल ऑफ कैना टुवर्ड्स अपेक्स, देखिए अपेक्स की तरफ मूवमेंट हो गया. ओके ये पैरेलल विनेशन है और ये मिट्री पे जो पेंट बिटवीन प्रेजेंट होती है. सो हियर यू कैन लुक हियर, सो ये हो गया आपका डाइवर्ट, ये हो गया बनाना और ये हो गया कैना. तो बनाना में पैरेलल यूनिकोस्ट्रिक में दो टाइप के हो गए, वन द विनेशन टुवर्ड्स अ मार्जिन, तो ये और एक होता है पैरेलल द विनेशन टुवर्ड्स द अपेक्स. तो अगर आप बनाना में देखेंगे तो ये होता है यूनिकॉ, ये दोनों यूनिकॉस्टेट है क्योंकि मिड्रिप दोनों में एक ही है, मिड्रिप एक ही है, विनेशंस अलग अलग है, विनेशन तो अलग अलग होंगी ना, ठीक है, नंबर ऑफ विनेशंस तो ज्यादा होते हैं लेकिन मिड्रिप एक है, या तो मिड्रिप मार्जिन की तरफ होगी या फिर अपेक्स की तरफ होगी. तो अगर आप अपेक्स की तरफ देखते हैं तो ये होता है कन्वर्जेंट, मतलब एक से बीस से स्टार्ट हुए और कन्वर्ज होकर आ गए अपेक्स के साइड में. व्हाइल इन केस ऑफ मार्जिन ये कन्वर्जन नहीं है, डाइवर्जेंट है. ओके okay. अब आते हैं पैरेलल पामेट, सेम अपोजिट ऑफ द पैरेलल पेंडेंट की इसमें नंबर ऑफ मिड्रिप प्रेजेंट होती है, अगेन इट मे बी द कन्वर्जेंट एंड द डाइवर्जेंट टाइप. ओके सो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पे तो क्या है ना, वो लास्ट जो पिन्नेट था, जो आपका पिन्नेट था उसमें इतना बेटर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आपको दिखाई नहीं देगा. यू कैन ऑब्जर्व, जैसे देखिए ये पामेट है, पूरा पामेट जैसा लग रहा है ना, हमारे एक पाम है उसे 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर ऑफ 5 मिड्रिप उससे निकल रही है, बेस से नंबर 5 मिड्रिप उससे जनरेट हो रही है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द डाइवर्जेंट, इट्स कॉल्ड द डाइवर्जेंट एंड द नंबर ऑफ मल्टीकॉस्टेड 1, 2, 3, 4, 5 इधर द नंबर ऑफ मल्टीकॉस्टेड, तो ऐसे बहुत सारे कॉस्टेड प्रेजेंट है. ओके सो इट मे बी डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे देखेंगे ये कन्वर्जेंट है, लाइक नंबर ऑफ विनेशंस निकल रहे हैं एंड दे मर्ज एट वन पॉइंट, दे मर्ज एट वन पॉइंट, ये नंबर ऑफ विनेशंस है. आप वो कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको देख के लगेगा कि सर ये पिन्नेट जैसा लग रहा है, लग रहा है पिन्नेट जैसा नो डाउट, लेकिन ये वीट का एग्जांपल लिया है तो वीट में ये नंबर ऑफ मिडरिप्स है जो आपके एक ही पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंट हो गई, देयर इज अ लाइक डाइवर्जेंट, ये नंबर ऑफ मिडरिप्स है, ठीक है, पाम ट्री के अंदर आप देख सकते हैं, तो उसमें आपका ये डाइवर्जेंट आपको मिलेगा टुवर्ड्स अ. अब यह देखेंगे ये किसकी तरफ है, मार्जिन की तरफ है, और ये किसकी तरफ है, आपका अपेक्स की तरफ है. ओके अब कन्वर्जेंट देखेंगे जो कि अपेक्स के ऊपर आपका लाइक अपेक्स के ऊपर आपकी बेस से लेके अपेक्स के ऊपर आपका कन्वर्जेंट हो जाता है. द एग्जांपल के लिए वीट, साइंटिफिक नेम इज ट्रिटिकम एस्टिवम एंड द ग्रास. इसका ना वीट का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, बहुत बार इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम से, कुछ कई बार कुछ क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, सो वी विल हैव अ रिव्यू ऑन दोस क्वेश्चंस आल्सो. अपेक्स है और ये मल्टीपल मिडरिप्स है. ओके एंड ये हो गया कन्वर्जन टाइप हो गया, फिर डाइवर्जेंट हो गया, सो डिफरेंट मिडरिप एक्सटेंडेड टुवर्ड द मार्जिन. एंड एग्जांपल के लिए पाम, तो ये देखिए आप पाम ट्री के एग्जांपल देखिए, अब बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, मतलब आप देखेंगे 6 मिडरिप्स प्रेजेंट है, तो 6 लीफ प्रेजेंट है, ऑब्वियस बात है ना, 6 मिडरिप प्रेजेंट है तो 6 लीफ प्रेजेंट हो गई, तो 6 डिफरेंट लीव्स हो गई. ये कंपाउंड लीव का भी एग्जांपल होता है जिसके अंदर मोर देन वन लीव प्रेजेंट होती है, दे आर कॉल्ड अ बेसिकली कंपाउंड लीव. ये कंपाउंड लीव का एग्जांपल होता है. ओके ओके सॉरी कंपाउंड लीव का एग्जांपल ही मत लेके चलिए, लाइक आपको कंफ्यूजन होगा. इट्स लाइक द एग्जांपल ऑफ द पैरेलल पामेट एंड मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट टाइप. ओके पाम के अंदर आपको मिलता है अपेक्स और मार्जिन, मल्टीपल मिडरिप्स होती है. ओके रेटिकुलेट विनेशन, जहाँ पे आप रेटिकुलेट विनेशन में वेन्स का जाल बना हुआ होता है, सो जनरली डाइकोट प्लांट के अंदर होती है लेकिन कुछ रेयरली मोनोकोट के अंदर भी पाई जाती है, रेयरली पाई जाती है. एग्जांपल की रेटिकुलेट विनेशन, ये देखिए ये आपका मिडरिप है,
ठीक है, और ये इसकी वेन्स है, और वेन से और भी छोटे छोटी स्मॉल वेन्स निकली हुई है। अगेन इट्स ऑल्सो टू टाइप्स, रेटिकुलेट पिनेट एंड यूनिकॉस्टेट, एंड रेटिकुलेट पामेट मल्टीकॉस्टेट। ओके, रेटिकुलेट पिनेट यूनिकॉस्टेट इस टाइप के विनेशन में केवल एक ही मिडरिप प्रेजेंट होगी, और कि वो एक ही मिडरिप आपकी बेस से स्टार्ट होगी, ओके, बेस से स्टार्ट होगी और अपेक्स तक जाएगी, और लेकिन उसमें आपकी विनेशन पैरेलल होंगे, रेटिकुलेट होंगे विनेशंस, एक ही मिडरिप प्रेजेंट होगी। ओके, ये भी आपके या तो मार्जिन की तरफ जाती है या फिर अपेक्स की तरफ जाती है। अगर आपके मार्जिन की तरफ आएगी तो इट बिकम लाइक अ डाइवर्जेंट, और अपेक्स की तरफ जाएगी तो होता कन्वर्जेंट। एग्जांपल के लिए मैग्निफेरा इंडिका, फिकस रेगुलेसा और जिसका फिकस रेगुलेसा एंड द स्कैट फिग पीपल जिसका नाम होता है। ओके, एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया रेटिकुलेट। तो अगर आप इसके लीफ में देखेंगे आपको रेटिकुलेशन मिलेगा, ठीक है। अब तो एक ही देखिए, केवल एक ही मिडरिप प्रेजेंट है, एक ही मिडरिप प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए एक ही मिडरिप प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्रांच वेरिएशंस होता है, ठीक है। ये मैग्निफेरा इंडिका मतलब मैंगो का प्लांट है ये, जैसे कि फिकस रेगुलेसा एंड स्कैट फिग, ये पीपल की जो बीटल जो होता है ना, बीटल पान का पत्ता, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अब आता है रेटिकुलेट पामेट एंड मल्टीकॉस्टेट। अब सेम वही डिफरेंट हो गया, वही डिफरेंट क्या हो गया कि लाइक वही डिफरेंस क्या हुआ, सो हियर द लाइक आपका रेटिकुलेशन मिलेगा प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स में विनेशन का एक रेटिकुलेशन मिलेगा, एंड रेटिकुलेशन मिलेगा और मल्टीकॉस्टेट होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मिडरिप इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, सो दैट देर आर द मोर देन वन मिडरिप जो कि पेट्यूल से अराइज्ड होती है और अपेक्स की तरफ एक्सटेंडेड होती है, अपेक्स की तरफ एक्सटेंडेड होती है। ओके, एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए रेटिकुलेट पामेट, तो अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया डाइवर्जेंट और ये हो गया कन्वर्जेंट, तो ये मल्टीकॉस्टेट का एग्जांपल है। सो हियर आर द नंबर ऑफ मिडरिप, 1, 2, 3, देयर आर द नंबर ऑफ मिडरिप्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे देयर आर द नंबर ऑफ मिडरिप प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4। डिफरेंस ये है कि इनकी सारी जो मिडरिप होती है ये आपके मार्जिन की तरफ जाती है, लेकिन इसकी सारी जितने भी मिडरिप है आपके अपेक्स की तरफ जा रही है, ठीक है। ओके, कन्वर्जन रेटिकुलेट पर देख लेते हैं। कन्वर्जेंट हो गया, नंबर ऑफ मिडरिप अराइज फ्रॉम ए पेट्यूल एंड स्प्रेड ओवर द लैमिना, ठीक है, एंड कन्वर्ज, ओके, स्प्रेड ओवर द लैमिना, ओके, एंड ये कन्वर्ज होती है एक ही अपेक्स के ऊपर, अनवर्ज हो जाती है, जैसे एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा रेटिकुलेट पामेट होता है जिसमें आपकी मिडरिप एक ही पेट्यूल से जनरेट होंगी और पूरे लैमिना के ऊपर स्प्रेडेड हो जाएंगी। उसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पॉइंट मिस्टेक आ गया था, कन्वर्जेंट के अंदर अराइज फ्रॉम ए पेट्यूल, लेकिन वो सारी अपेक्स के ऊपर मर्ज हो जाती है, लेकिन ये आपके लैमिना में फैलती है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो ये था लीफ विनेशन के बारे में, जिसमें हमने देखा पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। फिर पैरेलल विनेशन में भी नंबर ऑफ या तो एक मिडरिप होगी या दो मिडरिप, या नंबर ऑफ मोर देन वन मिडरिप होंगी, तो एक ही मिडरिप है तो यूनिकॉस्टेट, वन ऑफ मोर देन वन है तो मल्टीकॉस्टेट। सेम रेटिकुलेट में भी हम पिनेट और लाइक पामेट में लाइक ऐसे डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द विनेशंस। अब हम पढ़ेंगे और कुछ अदर लीफ के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, अब फिर हम लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ के बारे में देखेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। धन्यवाद।